लेकिन दूसरी बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, अब चुनाव के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेरकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवा हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को, और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो ये देन बीएसपी की है। बीएसपी के अथक प्रयासों से सिर्फ बीपी सिंह की सरकार में तो ये सुविधा इन्हें मिली है। इसके साथ ही सिर्फ बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक पावर में रहकर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा, तो ये बीपी सिंह की सरकार में बीएसपी के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस उपाधि से सम्मानित किया गया, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर इतना जो डिले हुआ तो जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारमा को आगे बढ़ाने वाले हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है, लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए।
तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सीटों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशानी नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके यहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने